हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का माह कैसा जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद लेकर अक्टूबर कैसे स्टार्ट कर रहे हैं आप, क्या कृपा होगी आपके ऊपर। तो तुला लग्न तुला राशि, तुला लग्न तुला राशि का मतलब है चित्रा, स्वाति और विशाखा। मंगल का चित्रा नक्षत्र, राहु का सेकंड नक्षत्र स्वाति और विशाखा विशेष शाखा। तुला, तुला मतलब न्याय का प्रतीक। तुला तुला मतलब संतुलन बनाना। तराजू को देखा है ना आपने, दोनों पलड़े बराबर होते हैं। 100 ग्राम भी ज़्यादा करिए तो एक पलड़ा नीचे एक पलड़ा ऊपर। आप जीवन में संतुलन बनाने के लिए आए हैं। अकाल पुरुष की कुंडली में जो सप्तम भाव है वो आपका लगन है, तो संतुलन के साथ योग के साथ भोग करने आए हैं। भोग तो आपके जीवन में लिखा ही लिखा है, ठीक है ना। भोग आपके जीवन में लिखा लिखा है महाराज, आप नहीं चाहोगे तो भी आपको मिलेगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन संतुलन बना के रखना है। आपका नक्षत्र क्या कहता है, नक्षत्र कहता है कि बीच में स्वाति आ रहा है, चित्रा और विशाखा के बीच में स्वाति नक्षत्र आ रहा है, ध्यान देना है। मंगल गुरु ज्ञान और पराक्रम के बीच में राहु का संशय आ रहा है, तो ऐसे व्यक्तित्व से आप चल रहे हैं, क्षमता है आपके अंदर कोयले को हीरा बना देने की। स्वाति जो है कोयले को हीरा बना देता है, तराश देता है, और स्वाति बहुत अच्छा डॉक्टर भी बनाता है। अच्छे मेडिकल में जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे सर्जन वगैरह है ना, उनका देखिए कर्म भाव का स्वामी कहीं ना कहीं स्वाति में है, बेहतरीन डॉक्टर बनाता है। तो स्वाति तराशने का है, तो आपके जीवन में क्या है, आप तराश दोगे, जो भी हाथ में लगेगा उसको तराश दोगे आप, तो संतुलन बनाने के लिए आप पैदा हुए हैं। बात करेंगे आपका सेहत कैसी होगी, धन कितना मिलेगा, पराक्रम कैसा होगा, भूमि भवन वाहन का सुख, संतान का सुख, एजुकेशन का सुख, लव लाइफ कैसी होगी, कोई ऋण रोग तो परेशान नहीं कर रहा है ना आपको, प्यार कितना मिलेगा, जीवन साथी से तकरार खत्म होगी क्या, आयु संबंधी कोई नुकसान तो नहीं, भाग्य कितना साथ देगा, कर्म भाव की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी है क्या, नौकरी के चांसेस बन रहे हैं, पैसा कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, खर्चा कहाँ करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको पसंद आएगा तो दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। ज्योतिष मंजरी वो चैनल है जो बातें नक्षत्र की करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, और जो लोग नक्षत्र की बात नहीं करते वो आँखें तो हैं लेकिन दृष्टि नहीं है। अब ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करते हो तो भाई जो दृष्टि के साथ बात कर रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए। राधे राधे। तुला लग्न तुला राशि, शुक्र की दूसरी मूल त्रिकोण राशि, खूबसूरत राशि। तो खूबसूरती आपके व्यक्तित्व में है, आप खुश मिजाज इंसान हैं। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपके शुक्र द्वादश में है। द्वादश के शुक्र की बड़ी अजीब महिमा है, गजब की महिमा है, अजीब नहीं गजब की महिमा है। यही एक ग्रह है जो द्वादश में जाकर भी अत्यंत खुश होते हैं, क्यों, क्योंकि मुक्ति का है, शुक्र मुक्त होना चाहता है। शुक्र मुक्त, मुक्त होने में खुश है, आप देख लीजिए, गहराई से विचार करिएगा। द्वादश में पहुंच के शुक्र जिस पार्ट से द्वादश होता है उस पार्ट की खूबसूरती बढ़ा देता है। अब यहाँ पे शुक्र लग्न से द्वादश में अर्थात खूबसूरती बढ़ा देंगे, किसकी, लग्न की, लग्न को बड़ा बना देंगे, लग्न को व्यापक बना देंगे, तो आपका व्यक्तित्व तो बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो सकती है। तो सेहत का विशेष ख्याल रखें। कब तक, 19 अक्टूबर तक, ये कन्या में है, 19 अक्टूबर के बाद तुला में आएंगे, तो 19 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी, लेकिन 19 अक्टूबर तक आपको केयर करते रहना होगा, लापरवाही मत करिए। यहाँ पे लापरवाही थोड़ी सी आपको भारी पड़ सकती है। शुक्र और सूर्य की युति, खाया पिया एक नहीं गिलास टूटी नौ नौ, बदनाम बहुत जल्दी होंगे, या बदनाम बहुत जल्दी होंगे, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी, व्यापार भाव के स्वामी मंगल महाराज हैं। आपके धनेश और व्यापारिस की क्या स्थिति है, तो ये अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल महाराज मृग शिरा नक्षत्र में चल रहे हैं और अष्टम भाव में यद्यपि चल रहे हैं लेकिन सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है, सॉरी द्वितीय भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि है, इसलिए धन संबंधी नुकसान नहीं देंगे। ससुराल से भी आपको लाभ मिलेगा, जीवन साथी से भी लाभ मिलेगा, तो दोनों से आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा। तो मंगल आपके लिए मंगल मंगल कर रहे हैं। गुरु महाराज आपके वक्री हैं और शनि के नक्षत्र में वक्री हैं, शनि के उत्तर भाद्रपद में नक्षत्र में वक्री हैं। उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है पैकिंग का नक्षत्र है, मृत्यु से पूर्व की तैयारी का है, मरने से पहले की जो क्रिया है उसका है। तो यहाँ पे
गुरु जो पिछले काम थे उनको ठीक कर रहे हैं। किसके नक्षत्र में चल रहे हैं? शनि के। तो यहाँ पे आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड या रिश्तों में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको ठीक करने के लिए वो क्रिय हुए हैं और वो ठीक कर देंगे। दुश्मनों को भी ठीक करेंगे, आपसी रिश्तों को ठीक करेंगे, जो पराक्रम करना छूट गया था उसको भी ठीक कर रहे हैं। और ये 17 नवंबर के बाद मार्गी हो रहे हैं, तो यहाँ तक आपके लिए धीरे सारी चीज़ें ठीक करते जाएंगे। शनि, शनि आपके चतुर्थेश हैं और पंचमेश हैं और 23 अक्टूबर को हो रहे हैं मार्गी, रहेंगे ये मकर में ही, लेकिन यहाँ से जो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे थे फिर ये धनिष्ठा में ही आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कहाँ? धनिष्ठा में। मकर में जो धनिष्ठा नक्षत्र चलता है वही मंगल को उच्चता देता है, तो सेनापति जहाँ उच्चता प्राप्त कर रहा है शनि वहीं चल रहे हैं, तो शनि के भी अंदर जोश होगा। भाई समय स्थान को देख के जोश आ जाता है ना, ग्राउंड में दौड़िए, ग्राउंड में पहुंचिए, लोगों को दौड़ते देख के आपके अंदर जोश आ जाएगा। युद्ध करते हुए देखिए शरीर में रक्त उबाल मारने लगता है, तो यहाँ शनि की भी उबाल मारेगा। वक्री होकर शनि बोलता है पराक्रम करके दिखाता हूँ। तो भूमि भवन वाहन संबंधी आप पराक्रम करेंगे, संतान का भी विकास हो रहा है, एजुकेशन में आपको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आपकी कुंडली में जो भाग्य भाव का स्वामी है उच्च का है, यद्य व्यय में है, तो विदेश में आपका भाग्योदय हो रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई वीज़ा उज़ा आपका पेंडिंग में है, तो यहाँ पे आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश जाने के लिए वीज़ा आप डाल रखे हैं तो आपका काम हो जाएगा। स्वामी विदेश में उच्च का हो रहा है तो यात्रा से आपको लाभ होगा। किससे लाभ होगा? यात्रा से। धार्मिक यात्रा करिए, धार्मिक यात्रा के बाद आपको लाभ हो जाएगा। चंद्र महाराज आपके हर सवा दो दिन में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कर्म भाव की स्थिति आपके लिए अनुकूल ही है। आपके आय के जो स्वामी हैं व्यय के घर में बैठे हैं, तो अगर आप विदेश में रहते हैं तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले है। हाँ इंडिया में रहते हैं तब ये सूर्य व्यात्मक हो जाएगा। देखिए परिभाषा भी स्थान के साथ साथ बदलती है, स्थान के साथ साथ बदलती है। तो यहाँ पे आपको भाई के साथ, आपको अपने बड़े भाई से जो संबंध है वो बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। सूर्य यहाँ पे व्यय भाव में है, किसके साथ? व्यय भाव के स्वामी के साथ और लग्नेश के स्वामी के साथ। तो लग्नेश के स्वामी होने के साथ बड़प्पन की वजह से आपको खर्च करना पड़ेगा, पार्टी होगी, दोस्त शेयर नहीं करेंगे, आपको ही पैसा लगाना पड़ेगा, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अपने लग्नेश को मजबूत करके रखिए, बुध के मंत्रों का जाप करना भी श्रेयस्कर होगा। हाँ राहु महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, थोड़ा सा, क्योंकि सप्तमे अष्टम में है और सप्तम भाव में राहु है, भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, ठीक है, लेकिन केतु स्वाति में चल रहे हैं और स्वाति थोड़ा सा ना खींच देता है, स्वाति चिड़चिड़ाहट देता है, स्वाति धैर्य की क्षमता कम कर देता है, तो केतु की वजह से थोड़ा सा तनाव रहेगा। तो केतु के मंत्रों का जाप करिए, मंगल की चीज़ों का दान करिए, बेहतर परिणाम देने वाला होगा। द्राम दीम द्रोम सा शुक्राय नमः जाप करते रहिए ना, और राधे राधे करते रहिए। आपके लिए मंगलमय शुभकामना, परमात्मा आपका भला करें।